यूट्यूब से पैसा कमाना, लेकिन वॉच टाइम नहीं बढ़ा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं हमारे साथ कौन है, कल्पना जी, कन्नौज के तिरुआ से आई हुई है। पता है क्यों बता रहा हूँ, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। ये भी एक लड़की है, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह काम कर रही है और पैसे कमा रही है। ये देख सकते हो, देखो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया, पैसे यूट्यूब से पैसा आ रहा है। फेसबुक से कितना पैसा आया अभी आपका? अभी आया 30,000। देख सकते हो आपके सामने 30,000 रुपए फेसबुक से आ गया, यूट्यूब से आ गया, इंस्टाग्राम पे 8 लाख फॉलोअर्स, एक पे 7.5 लाख है। आप लोग क्या कर रहे हो, कब आगे बढ़ोगे, कब काम करो? मैं आपको सिखा रहा हूँ, हर तरीके से बोल रहा हूँ कैसे काम करना, इस तरीके से काम करो, इस चैनल पे काम करो, इस कंटेंट पे काम करो, पैसा मिलेगा। ये भी तो गांव में रहती है, कोई शहर में नहीं रहते। वीडियो अपलोड करने के लिए आप कहाँ जाते हो, अच्छा बताओ एक बार? गांव में करते हैं। गांव में कभी नहीं होता है, नेट नहीं चलता, तो आप तिरुआ वो कन्नौज जाते हो वीडियो अपलोड करने? हाँ, तिरुआ जाते हैं। समझ सकते हो, गांव में वीडियो कभी कभी नहीं अपलोड होता, ये हमसे बहुत पहले से हम इनका चैनल को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब वीडियो अपलोड नहीं होता है तो बाहर जाते हैं वीडियो अपलोड के लिए, डेली काम करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह काम करते हो आपकी? नहीं, डेली हाँ। वीडियोस डालते हो इंस्टाग्राम पे? आप कितना वीडियो रोज डालते हो? इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं 5-6। समझ सकते, एक पर ना आपके, हाँ। दो इंस्टाग्राम, दोनों पे तीन है इंस्टाग्राम, तीन तीनों पे डालते हैं आप वीडियो। हाँ। देखो भाई आप देख सकते हो, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम सब कहीं काम करना है। 30,000 रुपए फेसबुक से पेमेंट आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो अभी ये 907 रुपए इसमें ही बन चुके हैं यूट्यूब पर भी। भाई आप कब आप आगे बढ़ोगे, कब बढ़ोगे बताओ, मुझे ये बताओ। मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, आगे बढ़ना है भाई, आपको भी पैसे कमाने हैं यूट्यूब से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कल्पना जी यहाँ क्यों है आज। पता है ये हमारा घर है यहाँ पर पनकी में, आज मैंने कल्पना जी को यहाँ पर बुलाया, किस लिए बुलाया? क्योंकि ये गूगल का लव लेटर आ गया है भैया, इससे पैसा आता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो चुका है कल्पना जी का। अब ये गूगल का लेटर आया, बोली थी हमारा पिन वेरिफिकेशन कर दीजिए, देख सकते हो आज हम पिन वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, ये कल्पना जी का जो लेटर आया है गूगल से, ठीक है। अब देखिए ये पिन वेरिफिकेशन आखिर में किया कैसे जाता है, और आपको हम इनका भी कंटेंट भी दिखाएंगे, ठीक है, किस तरीके से काम कर रही है यूट्यूब पे, कैसे वर्क कर रही है, आपको कैसे करना, अगर आप गाँव से रहते हैं, गाँव में रहने वाले हैं, आपको कैसे वीडियो बनानी है, ये सब कुछ कल्पना जी का वीडियो देख के आप सीख सकते हो। गांव में अगर आप रहते हो तो आपको किस तरीके से काम करना है ये देखिएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनका ये पिन वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। वीडियो शुरू से एंड तक देखना, पसंद आएगी बहुत आपको, क्योंकि कल्पना जी गाँव से ही है और सारा काम वहाँ पे ही करती है, गाँव भी मतलब आपके खेत पे भी काम करती हैं आप, घर का भी काम करती हैं, हर तरीके से सारे काम करती हैं, फिर भी यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं और पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पिन वेरिफिकेशन पहले कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ पर आते हैं क्रोम पर, ठीक है, क्रोम पर हम आएंगे, यहाँ पर इसको ओपन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे स्टूडियो, ठीक है, studio.youtube.com, ठीक है। देखिए ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, अब ये आ गया हमारा जो भी ये दिख रहा है ना, यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया, देख लीजिएगा यहाँ पर ये हमारा डेस्कटॉप मोड पर ओपन हो गया, ठीक है पूरा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ये देखिए हमारा पूरा चैनल ओपन हो गया। अब एक हम टैब और खोलेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे एडसेंस, ठीक है, एडसेंस, क्योंकि हमको ये पिन वेरिफिकेशन एडसेंस पर करना है, ठीक है। यहाँ पर ओपन करेंगे, ये एडसेंस ओपन हो गया, ठीक है, ये पहला वाला जो आता है इस पर क्लिक कर देंगे, इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर साइन इन लिखा है, यहाँ साइन इन कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो हमारा जो एडसेंस है वो लॉग इन हो गया, ठीक है, ये देख सकते हैं कल्पना जी का एडसेंस लॉग इन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है ये पेमेंट को रिलीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एड्रेस वेरिफिकेशन, जो कि गूगल से पिन आया है इससे वेरिफिकेशन करना होगा। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखा है पेमेंट, पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है वेरिफिकेशन चेक, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैंने आपका पहले ही कर दिया था जब आपका लिया था, अब ये मैंने पिन के लिए अप्लाई कर दिया। आपका अगर पिन नहीं आता है, ठीक है, मान लीजिए एक बार अप्लाई कर दिया, दो बार अप्लाई कर दिया, 3 बार कर दिया, फिर भी ये पिन नहीं आता है, तब क्या करेंगे आप, सोचते हो अब तो यार पैसा नहीं आ पाएगा? उसका भी सलूशन है, मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन है, बिना पिन के भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसका अलग मेथड है, उसका वीडियो मैंने बनाया, जाके देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका ये 3 बार नहीं आया, अगर आ गया पिन तो ये देख लीजिए कैसे यहाँ पर पिन वेरिफिकेशन करना है। अब देखिए यहाँ पर हम 6 डिजिट पिन मांग रहा है, ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे। कल्पना जी के ये गाँव में आया और गाँव में एक लड़के ने फाड़ दिया, कहीं इसके अंदर तो कुछ निकला ही नहीं, निकलता नहीं है भैया, इसमें छपा हुआ होता है, ये देखो लिखा है ये पिन निकला है बोल रहे कि कुछ निकला ही नहीं इसमें, और गूगल ने भेज दिया इसको, ठीक है। देखिए इनका पिन डालेंगे, ठीक है, ये पिन है इनका, ये पिन हमने यहाँ पर किया और ये ऐसे करके सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट किया, ये देखो टिक लग गया, कंप्लीट हो गया, देखिए आपके सामने ही है, कंप्लीट हो गया। अब पैसा निकलेगा, अब क्या करना है इसके आगे,
अब इसके आगे देखिए, अब मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आएंगे हम और डेस्क इस पर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, इनका जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये दूर हो गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम पूरा प्रॉब्लम दूर हो गया। अच्छा, आप पापा का पैन कार्ड लाएंगे क्या? नहीं, पापा का पैन कार्ड नहीं, फोटो है हाँ, इसमें, फोटो है। फोटो है। चलिए अभी हम इनका क्या करेंगे, इनका ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिखा एडिशनल इन्फॉर्मेशन टैक्स, जो यूएस कंट्री का एक टैक्स फॉर्म होता है वो नहीं भरा है। और इनका यहाँ पर एडिशनल $12 हो चुका है। और मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पर आते हैं वाईटी स्टूडियो पर, और यहाँ पर कितना हो चुका है, $24 हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं दोनों जगह, अभी यहाँ का वहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और एक बार यहाँ पर आने के बाद में इसका हम क्या करेंगे, टैक्स वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, टैक्स का। अब चलो एक बार यहाँ पर पिन वो देख लेते हैं कहाँ गया, गैलरी कहाँ है आपकी, ये गैलरी है, ठीक है। अभी हम देखो दिखाते हैं आपका, आपको दिखाते हैं कैसे हमें टैक्स फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आप ये भर देते हैं तो फिर टैक्स फॉर्म कैसे भरेंगे। अब यहाँ पे कहाँ पर है आपका फोटो, गूगल का, और ये क्या है, हाँ चलो ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है, जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है टैक्स क्या, मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि अगर जरा सी गलती करेंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन पेंडिंग चला जाएगा, फिर आपकी पेमेंट भी रुक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो टैक्स दिखा रहा है, ठीक है, एक यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है, एक सिंगापुर दिखा रहा है। तो हमें सिंगापुर नहीं भरना है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट भरना है, जहाँ से 30% हमारा कट जाता है जो अर्निंग, वो नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से एक मतलब कि हमारा एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा, अब यहाँ पे पासवर्ड डालना, पासवर्ड डालिए इसका, कल्पना जी, यूट्यूब चैनल का, रुक जाओ, पासवर्ड नहीं बताया आपको। चलिए इनको देखिए, पासवर्ड नहीं पता, पासवर्ड कैसे पता करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए कहाँ गया ये, बंद कर लिया, क्या हुआ, ठीक है। देखिए जैसे कि इनको अभी पासवर्ड अपना नहीं आता, अब क्या करेंगे, पासवर्ड कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे जीमेल पर, ठीक है। जीमेल पे आने को यहाँ पर फोटो पर क्लिक करेंगे और गूगल अकाउंट पे जाएंगे। फिर यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे आएंगे सिक्योरिटी पर, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन दिया, ठीक है, 4 फरवरी को इनका पासवर्ड चेंज हुआ है एक बार, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर आया फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर इनका फिंगरप्रिंट मांगेगा, ठीक है। चलिए देखिए फिंगरप्रिंट मांग रहा है, ठीक है, अभी एक बार कर देते सबमिट, और ये देखिए फिंगरप्रिंट लगाइए, ये सिक्योरिटी रीजन होता है इसलिए फिंगरप्रिंट मांगता है, उसी बंदे का मान लीजिए लॉक लगाए तो लॉक मांगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने फिंगरप्रिंट लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है, तो हम पासवर्ड बना लेते हैं, ठीक है, आप भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा, ऐसे नॉर्मल पासवर्ड नहीं बनाना है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ पासवर्ड, ऐसे ही आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, कोई भी ऐसे फर्जी पासवर्ड बनाइए कि जैसे कि मान लिया अपना नाम डाल दिया, फिर 1 2 3 डाल दिया, 2 4 6 डाल दिया, ऐसे नहीं, थोड़ा सा चेंज करके बनाना है जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, ठीक है। ये देखिए मैंने इनका पासवर्ड चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जहाँ पर हमको पासवर्ड मांग रहा था यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। सिर्फ कुछ ही देर में इनका देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी जो सही तरीका है भरने का वो भर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आए, ठीक है, इनका टैक्स फॉर्म का यहाँ फॉर्म ओपन हो गया। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे देखना है, इनका थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, 5G है तब भी यहाँ पर बताइए स्लो चल रहा है, क्या बताएं। अब देखिए यहाँ पर खुलकर आ गया, ठीक है, इंडिविजुअल है नॉन इंडिविजुअल, ठीक है, तो इंडिविजुअल है ये, हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। अब ये पूछ रहे हैं ये कहाँ पर रहती है, यूएस मतलब कि अमेरिका में रहती है या फिर कहीं और रहती है, तो हम अमेरिका में नहीं रहते, ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब फॉर्म कौन सा भरना है, हमको दो फॉर्म यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, 8BEN है, ठीक है, और ये 8BEN, और इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, जो 8BEN है ये इंडिविजुअल के लिए होता है और 8ECI होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो हम 8BEN वाला फॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भरेंगे, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप गलत तरीके से भरोगे फिर भाई दिक्कत आ जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पर इस तरीके से भरेंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा नेट का इशू आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी मत मचाइएगा, जैसे हो रहा है वैसे ही भरना है, ठीक है, जल्दबाजी मत मचाइएगा किसी भी चीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे यहाँ पर, और ये देख सकते हैं इंडिया आ गया, ठीक है, यहाँ पर हम अपनी कंट्री ले लेंगे। अब यहाँ पर पूछा फॉरेन टीन, ठीक है, तो ये मत डरिएगा, फॉरेन टीन का मतलब क्या होता है, फॉरेन टीन का मतलब होता है फॉरेन में पैन कार्ड को टीन बोलते हैं, ठीक है, अमेरिका में अगर आपका जो पैन कार्ड नंबर होता है उसको टीन नंबर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, जैसा कि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो हम अपना पैन नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। चलिए हम पैन नंबर अपना डाल देते हैं, एफ, ये क्या हिंदी आ रहा है,
ये आ गया। अब ये क्या आ रहा है? आ गया F Z R E S जी। हाँ ठीक है, चलो एक बार हम देख भी लेते हैं, यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। FZR 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 ES ES 34। हाँ ठीक है ठीक है, देखिए कोई गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा ना फिर दिक्कत आ जाती है, इसीलिए मैंने पूरा एक बार कंफर्मेशन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही हम एड्रेस पर क्लिक करेंगे, जो पहले का एड्रेस इनका ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखो पूरा एड्रेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पोस्टल कोड जो इनका सेम है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, देखिएगा कितनी जल्दी ही इनका सिर्फ टैक्स फॉर्म जो मैंने भर रहा हूँ कितनी जल्दी अप्रूव होगा, ये देखिएगा आप, 1% भी मतलब पेंडिंग के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे, तो अगर आप अपने तरीके से करोगे तो भाई दिक्कत तो 100% आनी है, तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमें 100% बता रहा हूँ दिक्कत आनी ही आनी है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना बस, खाली अगर आप वैसे करते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर इंडिया से सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 7 लेते हैं और 0% लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आर्टिकल लेंगे 12 और यहाँ पर क्लिक करेंगे 15% लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और आर्टिकल 12 लेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे 15% लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा है, आप देख लीजिएगा सही तरीके से जो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आ गया कि आप इंडिविजुअल हैं कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, कोई और तो नहीं है तो आप बता सकते हो, हाँ यस हम आई इंडिविजुअल हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करके अब आप देखिएगा कितनी सिर्फ ही कुछ सेकंड के अंदर ये पूरा पूरा सबमिट हो रहा है। देखो यहाँ से सबमिट कर दिया। ठीक है, देखिए कितनी तेज अप्रूवल होगा, अप्रूवल सिर्फ देखिएगा कैसे होता है, 1 सेकंड के अंदर अप्रूवल आएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे 100% अपने ऊपर सियोरिटी रहती है ना, जब ये चीजें दिक्कतें आती है तो हमको कैसे आती है। देखो अब इनके में क्या आ रहा है, जो इनका नाम है ना उसमें आ गया। देखो अब हम दिखाते हैं दिक्कत क्यों आई, अब इनके नाम में मिसमैच आया है। ये देखो यहाँ पर नाम कैसे लिखा है, यहाँ पे देखो ये आ रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट छोटा सा अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे देखो यहाँ पर आएंगे डॉक्यूमेंट पर, एक एक डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है सिर्फ, वो हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, इमेज पर आते हैं, फोटो आपने कैमरे से ली थी ना, हाँ चलो ठीक है यहाँ पर देखो इधर आते हैं, किस में पड़ी ये फोटो, डाउनलोड की थी किस में लिया था, यहाँ तो आ नहीं रही कैमरे में, स्क्रीन साथ में चले स्क्रीनशॉट में, चलो फोटो पे क्लिक कर देते हैं इस पे। हाँ देखो इसी में है सर, नहीं इसमें भी नहीं है, आए तो गैलरी में रुको यहाँ पे ऑल पे आ जाते हैं। ठीक है, ऑल से सब पता चल जाएगा, ये वाला है ना, चलो ये देखो हमने यहाँ पर फोटो ले लिए। ठीक है, अब ये ले लिए और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अपलोड हो रहा है ये डॉक्यूमेंट, देखिए हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया और अब ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो देखिए चला गया। ठीक है, अब इनका जो डॉक्यूमेंट का था वो मैंने भर दिया, पूरा सब कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ अब इनका बैंक अकाउंट ऐड करना है। बैंक अकाउंट कब ऐड करेंगे, जब इनका $100 हो जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, तब बैंक अकाउंट ऐड करेंगे और $100 होते ही इनका पैसा 23 तारीख को इनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कि फेसबुक का जो रूल होता है 21 से 23 के बीच में, वैसे ही यूट्यूब का भी होता है 21 से 26 के बीच में पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। इनका सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया और जो प्रॉब्लम थी सब सॉल्व कर दी है। अब आपको कैसा लग रहा, 30,000 तो ले लिया अपने पेमेंट, अब बहुत YouTube अच्छा की बारी है। लगा। अब YouTube की बारी पैसा लेना। अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और अब दिखाते हैं, देखो कल्पना जी काम कितना अच्छा कर रही है, ये देखिएगा पहले। ठीक है, अब ये देखिए, सीख रही हूँ। ये देखिए, नहीं जाइए सीखिए, अगर गांव से है रिलेटेड आप काम गांव में रहते हैं, गांव में खेत में काम करते हैं तो